वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा। एक बार फिर पब्लिक डिमांड पर वीडियो लेकर आई हूं। वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दें कि अब हमारी वीडियो हर फ्राइडे दोपहर 12:30 बजे लाइव पब्लिश होगा, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का हाल कुछ इस तरह है, जिसमें पीओके से गिलगित बल्तिस्तान 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है, और पाकिस्तान में कहे जाने वाले आजाद कश्मीर 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी टोटल पीओके 86,268 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अक्साई चीन 37,244 स्क्वायर किलोमीटर है, जो चाइना के कंट्रोल में है, और जम्मू एंड कश्मीर 101,387 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया के कंट्रोल में है। तो दोस्तों ध्यान रखें, हम इस वीडियो में पीओके और जम्मू एंड कश्मीर का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों जीडीपी की बात करें तो पीओके की जीडीपी $4.1 बिलियन है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर की जीडीपी $25 बिलियन है। जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पीओके की $525 है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर की $1,200 है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो पीओके की 4.7% है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर की ग्रोथ रेट 8.2% है। बजट की बात करें तो पीओके का बजट 13,363 करोड़ इंडियन रुपीस है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर का बजट 95,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। पॉपुलेशन की बात करें तो पीओके में 6.25 मिलियंस है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन 12.55 मिलियंस है। रिलीजियंस की बात करें तो पीओके में 99.3% मुस्लिम्स, 0.7% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम 68.31%, हिंदू 28.43%, सिख 1.87%, बुद्धिज्म 0.89%, क्रिश्चियन 0.28%, जैन 0.01% और बाकी धर्म के लोग रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ कश्मीर रीजन में मेजॉरिटी मुस्लिम्स 96% है, वहीं जम्मू में मेजॉरिटी हिंदू 62.55% है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ फेमस शख्सियतों की, जिनकी जड़ें इन जगहों से जुड़ी है। इनमें से पीओके से K2 पहाड़ पर सबसे पहले पाकिस्तानी चढ़ने वाले अशरफ अमान, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे पहली पाकिस्तानी विमेन समीना बेग, ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट रहीमुल्ला बेग, गोल्ड मेडलिस्ट और प्रोफेशनल बॉक्सर अहमद अली, लेजेंडरी माउंटेनियर हसन सतपरा, डियाना बेग, मलाइका नूर, ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट जावेद करीम और सिंगर शाहिद अख्तर कलंदर शामिल है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख अब्दुल्ला, क्रिकेटर परवेज रसूल, पद्म भूषण विजेता जर्नलिस्ट बलराज पुरी, लेजेंडरी सिंगर एंड एक्टर KL सैगल, दंगल फेम जायरा वसीम, बिग बॉस फेम हिना खान, एक्टर आमिर बशीर, पद्मश्री विजेता भजन सोपोरी, एक्टर विद्युत जम्वाल और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा शामिल है। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। पीओके में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन नेटिव लैंग्वेज में पहाड़ी पोथवारी, मीरपुरी, शीना, बल्टी, बुरुशास्की, खोवार, कश्मीरी, पंजाबी जबाने बोली जाती हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी 53.27%, हिंदी 20.83%, डोगरी 20.04%, पंजाबी 1.75% और दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। दोस्तों कश्मीर की बात हो रही हो और यहाँ के सुहाने मौसम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए यहाँ के मौसम की बात करते हैं। पीओके का टेम्परेचर ठंडियों में 0 डिग्री से 9 डिग्री तक रहता है और गर्मियों में 18 से 26 डिग्री तक रहता है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर यहाँ के असमतल जगहों की वजह से बहुत अलग अलग है। जहाँ जम्मू में गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, वहीं ठंडियों में लद्दाख में -20 डिग्री सेल्सियस और सियाचिन में ठंडियों में -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पीओके में एवरेज एक व्यक्ति 75.3 इयर्स जीता है,
वहीं जम्मू एंड कश्मीर में 72.6 ईयर्स जीता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 2017 तक पीओके की लिटरेसी रेट 72.6% है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर की लिटरेसी रेट 68.74% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो पीओके में 18.1% है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में 12.13% है। बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के सभी स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो पीओके में 0.625 लेवल है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में 0.684 लेवल है। चलिए दोस्तों फेस्टिवल्स की बात करते हैं। पीओके में आप ईद उल फितर, ईद उल अधा, ईद मिलाद उन नबी, आशूरा, शानदार पोलो फेस्टिवल्स शानदार तरीके से मनाया जाता है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में ईद उल फितर, ईद उल अधा, तुलिप फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल्स, शिकारा फेस्टिवल्स धूमधाम से मनाया जाता है। फर्टिलिटी रेट यानी एक औरत औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, अगर उसके बारे में बात करें तो पीओके में 4.2 बर्थ्स पर विमेन है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में 1.7 बर्थ पर विमेन है। चलिए दोस्तों कुछ खाने पीने की बात करते हैं। पीओके में आपको हुंजा वैली स्पेशल हरीसा, चाप शुरो, शोपान, दिरम फिटी, गियालिंग, मटन रोगन जोश, वजवान, सीख कबाब, बारबेक्यू, नादरू यखनी खाने को मिल सकता है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में आपको मटन रोगन जोश, योगर्ट लैम्प करी, पनीर चमन, कश्मीरी साग, खट्टे बैंगन, दम आलू, कश्मीरी स्टाइल मटन रिब्स, चिकन पुलाव, राजमा चावल, कश्मीरी पुलाव, गुलाबी चाय, मोमोज और कावा पीने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अब गरीबी की बात करते हैं। पीओके के गिलगित बल्तिस्तान में 43% पॉवर्टी रेट है और पाकिस्तान में कहे जाने वाली आजाद कश्मीर में 25% पॉवर्टी रेट है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर की पॉवर्टी रेट 10.35% है। चलिए अब आपको इन जगहों की टॉप 10 सिटीज के बारे में बताते हैं। इनमें से पीओके से मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगित, कोटली, गिजर, गोजर अपर हुंजा, बाघ, भिम्बर, घांचे, चिलास शामिल है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, उधमपुर, बारामूला, सोपोर, लेह, कथुआ, बंदीपुर और रजौरी शामिल है। चलिए दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। पोलार रीजन के अलावा दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर पीओके में स्थित गिलगित बल्तिस्तान में है, इसे लैंड ऑफ ग्लेशियर्स भी कहा जाता है। पीओके में स्थित बल्तिस्तान कभी ग्रेटर तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे लिटिल तिब्बत से भी जाना जाता था। पीओके में स्थित शानदार पोलो ग्राउंड दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। यूनाइटेड नेशंस और उसके साथ कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पीओके को पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर से एड्रेस करते हैं। बता दें कि 1963 में पाकिस्तान ने साइनो पाकिस्तान फ्रंटियर एग्रीमेंट के तहत पीओके का नॉर्दर्न पार्ट ट्रांसकराकोरम ट्रैक चाइना को दे दिया था। यूनाइटेड नेशंस की कई रिपोर्ट्स के अनुसार पीओके में इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के द्वारा सारा कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान भले ही पीओके में स्थित गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5th प्रोविंस घोषित करने की बात करता हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे सेमी प्रोविंस ही माना जाता है। पीओके में स्थित हुंजा एरिया के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 इयर्स है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 100 इयर्स, 100 साल। यहाँ पर 100 साल का व्यक्ति आम बात है। यहाँ पर 60 की उम्र के बाद बच्चे होना भी आम बात है। हुंजा में आज तक एक भी कैंसर डिजीज का केस सामने नहीं आया है। कहते हैं कि इसका सीक्रेट बर्फीले पानी से नहाना, बर्फीला पानी पीना, सूखे एप्रिकॉट्स का जूस और हमेशा मुस्कुराना बताया जाता है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। 1965 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर की सीट होती थी, वहीं गवर्नर की जगह सदर रियासत की सीट होती थी। आर्टिकल 370 की वजह से इंडिया के किसी भी दूसरे स्टेट के सिटीजन जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। करीब 1 मिलियन ट्रूप्स जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तकरीबन हर 10 सिविलियंस पर एक जवान।
इतनी ज्यादा संख्या में मिलिट्री होने के चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जम्मू एंड कश्मीर का नाम वर्ल्ड मोस्ट मिलिट्राइज जोन के तौर पर दर्ज है। 9.2 किलोमीटर का इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल चेनानी नाश्री टनल जम्मू एंड कश्मीर में ही है। 14.2 किलोमीटर का जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है। यह टनल न केवल इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा बाईडायरेक्शनल रोड टनल होगा। बता दें कि इस टनल के बनने के बाद 3 घंटे का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित आइकॉनिक चेनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी ऊंचाई पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर के 2 कैपिटल्स हैं। श्रीनगर समर कैपिटल है, वहीं जम्मू विंटर कैपिटल है। लद्दाख में स्थित द्रास एरिया दुनिया में दूसरी सबसे ठंडी इनहैबिटेड प्लेस यानी निवास स्थान है। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री, जी हाँ दोस्तों, -60 डिग्री तक भी चला जाता है। इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस श्रीनगर के दल लेक के हाउस बोट में बना था। अगर आपको स्कीइंग में इंटरेस्ट है तो गुलमर्ग आपके लिए जन्नत है। जी हाँ दोस्तों, गुलमर्ग टूरिस्ट के लिए भी एक फेमस जगह है। आइकॉनिक वैष्णो देवी टेम्पल त्रिकुटा माउंटेन्स में स्थित है। बता दें कि 2011 से 2012 में 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आए थे। लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा सोलार पावर प्रोजेक्ट बनाने का प्लान चल रहा है। चलिए दोस्तों, अब घूमने फिरने की बात करते हैं। पीओके में आप लैला पीक, K2, ब्रॉड पीक, मुस्ताक टावर, हुंजा वैली, ड्योसाई नेशनल पार्क, कराकोरम हाईवे, बल्तित फोर्ट, अटाबाद लेक, रेनबो लेक, पसु ग्लेशियर, नलतार वैली, कुंजराब नेशनल पार्क, नंगा पर्वत, नीलम वैली, रावला कोट, बंजोसा लेक, झेलम वैली, रामकोट फोर्ट, तौली पीर, पीर चनासी, लीपा वैली, शाउंटर लेक, शारदा पीठ, मीरपुर ओल्ड सिटी रुइंस, मंगला फोर्ट, रती गली लेक जा सकते हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में आप गुलमर्ग, रजौरी, जम्मू सिटी, लेह, श्रीनगर, सोनमर्ग, कारगिल, पुलवामा, पहलगाम, पुंछ, पैंगोंग लेक, द्रास वॉर मेमोरियल, वैष्णो देवी मंदिर, तसो मोरीरी लेक, अफरवाद पीक, सिंथान टॉप, शंकराचार्य हिल, लेह रॉयल पैलेस, स्टकना मोनेस्ट्री, हॉल ऑफ फेम, खरदुंग ला, डेस्केट मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री, नुब्रा वैली, पत्नी टॉप, खिलन मार्ग, कोंगदोरी फेस 1, थाजीवास ग्लेशियर, हरी पर्वत, मंसार लेक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या अच्छा लगा, पीओके या फिर जम्मू एंड कश्मीर, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप और भी किसी टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं।